यश जी, नई फिल्म आ रही है आपकी, रिलीज के लिए थिएटर्स में तैयार है, प्रदर्शन के लिए क्या तैयारियां चल रही है और कौन सी फिल्म है साल? सबसे पहले तो समस्त भोजपुरिया दर्शकों को यश कुमार की तरफ से प्रणाम। देखिए, फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी, जो 4 अक्टूबर को सिनेमा घर में दस्तक दे रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मुंबई, गुजरात और दिल्ली, पंजाब, ये सारी जगहों पर फिल्म रिलीज़ हो रही है और भव्य तरीके से रिलीज़ की जा रही है। तो मैं जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आज का जो भोजपुरी सिनेमा है उसे दर्शकों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 8-10 साल पहले ऐसा होता था कि कोई भी फिल्म रिलीज़ होती थी तो एक अच्छा व्यवसाय करती थी, लेकिन इन दिनों भोजपुरी का मार्केट धीरे 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 नीचे गया है। दर्शक वो सारी फिल्में यूट्यूब पे देखना पसंद कर रहे हैं, सारी फिल्मों को सैटेलाइट पे देखना पसंद कर रहे हैं, पर थिएटर तक नहीं जा रहे हैं। निर्माता फिल्म बनाता है, हीरो मेहनत करता है, फिल्म आप तक लेकर के जाता है। अगर आप लोग सिनेमा तक नहीं आएंगे, सिनेमा घरों तक नहीं आएंगे, तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि निर्माता इस तरीके की फिल्में बनाना बंद कर दें। तो आप सभी से आग्रह है कि सिनेमा घर में जाकर के भोजपुरी फिल्मों को पुनः देखना शुरू करें। यश जी, फिल्म का ट्रेलर हमने देखा, लोग काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म में हाथी है आपके साथ, जी। एक जानवर के साथ फिल्म की शूटिंग करना कितना कैसे हो पाया? देखिए, जानवर के साथ शूटिंग करना जितना मुश्किल है उसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि मैं क्या बात कह रहा हूँ आपसे, आप मेरी बातों को, मेरी सवालों का जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, लेकिन जब मैं जानवर के साथ शूटिंग कर रहा हूँ तो हीरो अगर रो रहा है तो मुझे जानवर को उस समय रुलाना है, क्योंकि मेरी फिल्म में स्पेशली, मैं भोजपुरी में जब से इस फिल्म इंडस्ट्री में आया, जानवरों को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लेके आने वाला हीरो मैं हूँ। मेरे से पहले कभी किसी ने नहीं लाया था। मैंने सबसे पहले जो जानवर के साथ फिल्म बनाई थी वो थी कसम पैदा करने वाले की, जिसमें मैं कुत्ता और बंदर लेकर के आया था। वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी। उसके बाद उसी कुत्ते को लेकर के एक बहुत बड़े स्टार ने फिल्म बनाई थी अगली ही फिल्म, कि भाई यश कुमार की फिल्म हिट हुई तो हम लेकर के बनाते हैं। वो फिल्म सुपर फ्लॉप। फिर मैंने लेकर के बनाई कुत्ते को, जानवर और इंसान पार्ट 2, वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई। फिर उसी कुत्ते को लेकर के एक दूसरे स्टार ने फिल्म बनाई, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हुई। फिर रुद्रा मैंने बनाई, रुद्रा बहुत बड़ी हिट हुई। वजह क्या है कि लोग जानवर को एक जानवर दिखाते हैं अपनी फिल्मों में, जैसे कुत्ता है तो उसे चलो एक सपोर्टिंग एक्टर होता है ना, वैसा यूज करते हैं। मैं जिस भी जानवर के साथ काम करता हूँ उस जानवर को फिल्म का हीरो बनाता हूँ। एक हीरो अगर यश कुमार है तो एक हीरो को कुत्ता भी होना चाहिए, या बंदर भी होना चाहिए, या हाथी भी होना चाहिए, या घोड़ा भी होना चाहिए। तो अगर हीरो रो रहा है तो कुत्ता भी रोना चाहिए, क्योंकि वो फिल्म का हीरो है। तो इस तरीके से जानवरों के साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मेहनत लगती है इसके लिए, और मेरे अंदर वो पेशेंस है, और जानवरों के साथ काम करना मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि मुझे जानवरों से प्यार बहुत है। तो इसलिए मैं उस शूटिंग में, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं उस शूटिंग में, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पर मुझे लगता है कि जानवरों के साथ फिल्म बनाने का जो आनंद है वो किसी आदमी के साथ बनाने में वो इंटरेस्ट नहीं है, मज़ा नहीं। मिश्रा जी, सवाल ये है कि बेसिकली आपने कहा कि भाई जानवरों के साथ शूट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन रिस्क फैक्टर भी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जानवर है जी। उसके साथ शूट करने में हाथी जैसा बड़ा जानवर जी। जिसके सामने हम चींटी हैं, बिल्कुल हमारी जो हैसियत है हाथी के सामने वो चींटी जैसी है जी। कभी डर नहीं लगा, या कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि भाई चोट लगते लगते बच जाए, या किसी तरह का खतरा आ जाए? लगा है। मैं बताऊं आपको कि जब हम हाथी के साथ शूटिंग कर रहे थे तो कोई भी, चाहे वो कैमरामैन हो, डायरेक्टर हो, हीरोइन हो, फिल्म के कोई भी चरित्र अभिनेता हाथी के पास जाते नहीं थे। तो जो हाथी के ट्रेनर थे उनके पास मैं गया, मैंने कहा कि पहले हाथी के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए, आप मुझे सिखाइए कि मैं दोस्ती कैसे करूँ उसके साथ। तो देखिए, वो कहावत है ना कि जिसका बंदर वही खिलाए, दूसरा खिलाए कांटे धाए। तो आपको किसी जानवर के साथ काम करना है तो जो उसके ट्रेनर हैं उनसे आपको एक ट्रेनिंग लेनी होगी कि आप किस तरीके से उस जानवर के साथ दोस्ती कर सकते हैं, क्योंकि जानवर की मानसिकता आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, जो उनके साथ सालों से है वो पढ़ते हैं। तो ये बहुत डर का माहौल था। एक बात ऐसी भी हुई थी उस सेट पे हाथी को लेकर के, कि वो बातें मैं मीडिया तक नहीं लाना चाहता हूँ, कि पूरी यूनिट सेट छोड़ के चली गई थी, एक ऐसा वाकयात हो गया था। लेकिन हमने फिर सिचुएशन को काबू में किया, और काबू में करने के बाद से उसमें 8-8 महावत लोगों ने हमारा मदद किया, और फिर फाइनली हम लोगों ने साथी के साथ शूटिंग की। और डर की बात आप कह रहे हैं तो डर इतना लग रहा था कि जब आप हाथी के साथ खड़े रहते हैं, जैसे हाथी के हमने कई वीडियोस देखे हैं कि कई बार हाथी अगर पागल हो जाती है तो फिर आदमी को ऐसा मारती है कि मतलब वो आदमी फिर बचता नहीं, बच नहीं सकता है। तो वो एक डर रहता है, लेकिन एक ये है कि काम का पागलपन कह लीजिए,
जुनून कह लीजिए कि वो डर को मैंने साइड में रखा, मैंने कहा अगर आप नहीं काम करेंगे तो फिर आप जो स्क्रिप्ट लिखे हैं वो नहीं बन पाएगी फिल्म। तो फिर मैंने कहा चलो मरता क्या नहीं करता, तो फिर हमने हाथी के साथ इस शूटिंग को शुरू की और मैं उस गजानन महाराज का बार बार अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि बड़ा ही उन्होंने सपोर्ट किया। मैंने इसकी शूटिंग बेसिकली 3 जगह की है और जहाँ जहाँ जिस जिस हाथी के साथ हमने शूटिंग किया हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बड़ा मजा आया। बेसिकली मैंने देखा था आपको कि आप एक फिल्म शूट कर रहे थे, मुझे नाम तो याद नहीं है, जब घोड़े पर आप शूट कर रहे थे, सफेद कलर का घोड़ा था बाकायदा, और आप उसे बड़े कंफर्टेबली उसे राइड कर रहे थे। आप बेसिकली मैं देख रहा था कि आप फ्रेम भी आप उसे दौड़ा रहे थे एक तरह से, आपने ऐसा लगता था जैसे घुड़सवारी सीखी है कहीं से, इन सब में काफी वक्त भी लग जाता होगा। हाँ, मैंने कभी घुड़सवारी नहीं सीखी थी। मैं जब सेट पे गया तो मुझे जाने के बाद से जब घोड़े पे मैं बैठा तो घोड़ा अजीब सा दौड़ रहा था, तो मैंने उसके ट्रेनर को बुलाया। बुलाने के बाद मैंने बात किया कि इसको स्पीड में दौड़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, लगाम रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हुई और मैं 1 से 2 दिन के अंदर बहुत अच्छे से घुड़सवारी करना शुरू कर दिया। फिर एक उसी फिल्म में एक गाने की मैं आपको वाकयात बताऊं कि गाने में एक फ्रेम था जिसमें घोड़े को लेकर के आना था, तो वो ट्रेनर घोड़े के ऊपर खड़ा हो गया था और वो घोड़े को लेकर के आ रहा था। मैंने कहा यार ये कर सकता है तो यश कुमार आप क्यों नहीं कर सकते, तो मैंने उससे पूछा, बोले कह रहे भाई आप करिए मत, ये रिस्क है, अगर गिर जाएंगे तो। मैंने कहा आप टेक्निक बताइए मैं करता हूँ। उसने टेक्निक बताया और मैंने वो रिस्क लिया और मैंने घोड़े के ऊपर खड़े होकर के वो घोड़ा दौड़ाया है। सो मैं थोड़ा सा रिस्क हमेशा से लेता रहा हूँ, चाहे वो सिनेमा हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, तो रिस्क लेकर के बड़ा मजा आता है और वही रिस्क कहीं ना कहीं भोजपुरी समाज को, भोजपुरी दर्शकों को एक अलग फिल्म दे देती है। बिल्कुल, अगर एक अच्छी फिल्म बनानी है तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही थोड़ा नहीं बहुत। वैसे यश जी आपके बारे में एक आपके पास एक टाइम जैसा है कि भाई आप तो टीवी के स्टार हो, आपकी फिल्में जो है वो टीवी पर अच्छी अच्छा करती हैं। हाँ। और आप इस बार फिल्म को थिएटर में रिलीज कर रहे हैं। हाँ। तो क्या थिएटर से भी उतनी ही उम्मीदें हैं? देखिए ये जिन लोगों ने बनाया वो बेवकूफ है, गधे हैं जिन लोगों ने ये बातें कही हैं, उनको मेरा हिस्ट्री एक बार चेक करना चाहिए। जब मुझे कोई नहीं जानता था, मैं सिंगर भी नहीं था इस इंडस्ट्री का, तो जब मुझे कोई नहीं जानता था उस समय मेरी दिलदार संवरिया फिल्म आई थी जो ऑलमोस्ट हर सिनेमा घरों में उत्तर प्रदेश बिहार में 2-2, 3-3 हफ्ते चली थी। तो वहाँ के लोगों को सरप्राइज हो गए थे कि जिस लड़के को कोई नहीं जान रहा उनकी फिल्म क्यों चल रही है। वजह क्या थी कि उस फिल्म में फ्रेशनेस थी, उस फिल्म में एक्शन एक अलग लेवल का था, उस फिल्म में कंटेंट ऐसा था, फिल्म को चलाया उसने। दूसरी फिल्म मेरी नहीं चली लेकिन तीसरी फिल्म दिल लागल दुपट्टा वाली से ब्लॉकबस्टर हुई थी, सारे थिएटर्स में हाउसफुल के बोर्ड लगे थे, तो फिल्म चली। 2016 की मैं एक वाकयात याद दिलाऊं कि लोग बोलते हैं कि यार ये टीवी के स्टार हैं, ये सैटेलाइट के मतलब बॉक्स ऑफिस के नहीं, तो 2016 में बॉक्स ऑफिस पे भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पे 100 से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई थी, सारे बड़े स्टारों की फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन उसमें मेरी ही फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म हुई थी, उसका नाम था इच्छाधारी, तो बॉक्स ऑफिस की फिल्म थी। 2017 में कसम पैदा करने वाले की बॉक्स ऑफिस पे ही ब्लॉकबस्टर हुई, तो यश कुमार की फिल्म थी। 2018 में नागराज चली, जब सारे लोग डगमगाना शुरू हो गए थे, थिएटर का दौर भाग रहा था, तो नागराज आई, फिल्म चली, ब्लॉकबस्टर हुई। 2020 में कोरोना के बाद 3 फिल्में रिलीज हुई थी, विवाह 3 था शायद, या विवाह 2 थी, मेहंदी लगाकर रखना पार्ट 3 और मेरी कसम पैदा करने वाली पार्ट 2। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से उठा करके पूछेगा कि सबसे बेहतरीन ओपनिंग कसम पैदा करने वाली पार्ट 3 की थी। तो ये बोलना कि ये फिल्म चलती है, ये फिल्म नहीं चलती है, और इनकी चलती है इनकी नहीं चलती है, ये बकवास बातें हैं। दर्शक हैं, जनता जनार्दन है, वो जिसको प्यार देती है वो चलता है। दूसरी चीज़ सबसे अच्छा दर्शकों के बारे में एक अच्छी बात मैं ये कहूँ कि दर्शक न आपके हैं न मेरे हैं, दर्शक अच्छी फिल्मों के हैं, और जब जब अच्छी फिल्म आई है इन दर्शकों ने बताया है कि भैया ये अच्छी फिल्म को हमारा साथ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी स्त्री आई है, 50 करोड़ की फिल्म किसी ने सोचा था कि 620 करोड़ रुपए कमाएगी? इतना बड़ा कलेक्शन आज तक बॉलीवुड के किसी भी फिल्म की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं है, चाहे वो कोई भी स्टार हो, इतने बड़े बड़े स्टार हैं बॉलीवुड में, लेकिन राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म 50 करोड़ की स्त्री 2 ने 620 करोड़ रुपए कमाए। क्यों कमाए? क्योंकि फिल्म अच्छी है, दर्शकों का प्यार उसे मिला। तो दर्शकों का प्यार शाहरुख खान के लिए भी है, तो राजकुमार राव के लिए भी है। शाहरुख खान की भी फिल्में फ्लॉप होती हैं अगर फिल्म अच्छी नहीं है, तो राजकुमार राव की फिल्म हिट हो जाती है अगर फिल्म अच्छी है, तो दर्शक सिर्फ और सिर्फ अच्छी फिल्मों के हैं, बाकी किसी के नहीं है। रही बात सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट पे जब सारे पूरी इंडस्ट्री के कलाकार, पूरी इंडस्ट्री के हीरो, पूरे निर्माता निर्देशक ढोंढ़ी चोली में घुसे हुए थे और ठाकुर ठाकुराइन में घुसे हुए थे, उस समय मैंने पारिवारिक सिनेमा की ओर अपना रुख कर दिया था कि यश कुमार कब तक ये फिल्म करोगे, कुछ पारिवारिक फिल्में बनाते हैं, कुछ अच्छी चीजें करते हैं। उस समय तो सैटेलाइट था ही नहीं, तो मैंने उस समय अपने करियर के साथ रिस्क लिया था
कि यार अगर चला तो मैं एक पारिवारिक दर्शकों का जो परिवार वाले हैं उनका मैं हीरो बन जाऊंगा, और नहीं चला तो कौन सा मैं अभी भूखे मर रहा हूं। तो ये सारी चीजों को देख करके जो मैंने बदलाव किया, वो बदलाव आने वाले दिनों में जैसे ही थिएटर बंद होता है और सैटेलाइट का दौर आता है, तो मेरी जितनी फिल्में पारिवारिक की थी तो पारिवारिक वो फिल्में ब्लॉकबस्टर होती चली गई। उसकी वजह क्या है? हम अकेले में बैठ करके तो पॉन वीडियो देख लेते हैं, सनी लियोनी को देख लेंगे, मियां खलीफा को देख लेंगे, लेकिन जब हम परिवार में बैठ करके देखेंगे तो हम अगर थोड़ा सा किसी का क्लीवेज दिखता है या लड़की का ढोंडी दिखता है तो हम अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने परिवार के सामने कंफर्ट नहीं हो पाते हैं, उस देश को देखने के लिए नजरें झुका लेते हैं। तो यानी कि अश्लीलता परिवार में कोई नहीं देखना चाहता है, शुद्ध मनोरंजन देखना चाहता है, और वो शुद्ध मनोरंजन की शुरुआत यश कुमार ने 2015 में किया था, जो मुझे बाद में उसका फल मिला और मैं हैप्पी हूँ उसके लिए।